सो गाइस, आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि कुछ ऐसे बातें हैं जो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा, और वो क्या है अब आप लोग ध्यान से सुनिए। सर, हाल ही फिलहाल एक सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से एक मीटिंग बैठाया गया था जिसमें एयरटेल, बीएसएनएल, जियो और टाटा कम्युनिकेशन, ये सारे कंपनियाँ शामिल हुई थी। लेकिन वहाँ एक कंपनी जो है वो मिसिंग था, और वो था वी, यानी वोडाफोन आइडिया। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो अभी 5G को लेकर के कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बाकी सारे कंपनी जो है ना सर, वो 5G के तरफ टावर भी लगाना शुरू कर दिए हैं। कुछ कंपनी जो है वो 5G को लॉन्च भी कर चुकी है, लेकिन यूजर्स के बढ़ते डिमांड के हिसाब से यहाँ पर 5G का नया टावर लगना शुरू हो जाएगा सर, बहुत ही जल्दी। और एक बात बता दूं सर, आपको एक बेहतर न्यूज अगर चाहिए ना, तो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, फर्स्ट में ही आपको लिंक रहेगा ssmtbusiness.com के नाम से। आप उस लिंक पर क्लिक करके जाओ सर, मैं आपको वहां पे स्टॉक मार्केट के बारे में भी सिखाता हूँ, कुछ नॉलेज भी अच्छे अच्छे देता हूँ, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ नियम शर्त है इसके बारे में भी आपको बताता हूँ, कुछ बेहतर स्टॉक जो आपको 2023 में मल्टी बेगर्स रिटर्न दे सकता है इसके बारे में भी बताता हूँ, साथ ही साथ पेनी स्टॉक के बारे में भी बताता हूँ जो बेहतर है, बेवजह और फालतू पेनी स्टॉक का नहीं, जो बेहतर है उसके बारे में। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग और देख लें, ये जो GTL कंपनी है ना सर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसका पार्टनर एयरटेल भी है, ठीक है, जियो भी है, वी भी है, टाटा कम्युनिकेशन भी है और BSNL भी है। हाँ, एक बात आपको और बताना है कि BSNL टावर बनाने के लिए इसकी पर कंपनी को ऑर्डर दी है, लगाने के लिए ऑर्डर नहीं, लगाने का ऑर्डर अभी भी हो सके तो यहाँ मिल सकता है GTL को, तो आप लोग इस बात पे ध्यान देना। और अभी वी जो है ये तो ऑर्डर ही नहीं दी है, अभी एयरटेल जो है वो ऑर्डर नहीं दिया है, जियो भी ऑर्डर नहीं दिया है, टाटा कम्युनिकेशन भी ऑर्डर नहीं दिया है GTL को, तो अभी 5-5 मौका अभी भी है इस शेयर में जो आपको तेजी दिखा सकता है। और एक बात, तेजी शेयर में आता क्यों नहीं है, इसके ऊपर मैंने आपको पहले एक वीडियो बना करके दिया, लेकिन अगर आप लोग वो वीडियोस को नहीं देखे हो और आपको वो वीडियोस नहीं मिला तो मैं आपको फिर से एक नया वीडियोस कल या परसों बना करके दूंगा, जहां पर मैं आपको कुछ और भी बातें समझाने वाला हूं, जो साइकोलॉजिकल बात है सर, वहां पर कोई न्यूज की बातें नहीं करेंगे हम लोग साइकोलॉजी को समझेंगे वहां पर, कि शेयर में आखिर तेजी क्यों नहीं आता है और आएगा तो कब आएगा। तो यहां पर मैंने आपको ये चीज बताया सर कि अभी बहुत सारे कंपनी है जो इनको काम दे सकती है, और ये ऑफिशियली GTL का पार्टनर कंपनी है जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो आप लोग डरे नहीं और GTL में निवेश जो है वो बनाए रखें। मुझे उम्मीद है कुछ लोग को बुरा लगेगा, तो हो सके वो हमें कमेंट में 2-4 सुना भी देंगे, अभद्र भाषा बोल देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाए, हालांकि इंस्टेंट प्रॉफिट भी होता है, मैं आपको अगले वीडियोस में वो चीज़ भी सिखाऊंगा, पर यहाँ पर GTL में आपको लंबे समय के लिए रुकना पड़ेगा और ज़्यादा माल मत उठाओ, थोड़ा सा शेयर लो, 2000-3000, मैं तो ऐसे कहता हूँ 1500 से ज़्यादा नहीं, बट लोगों की जो है ना लालच वो थमती नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार में रहो, इससे ज़्यादा शेयर मत लो, कि हम 1 लाख लगा के शेयर खरीद ले रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000, तो शेयर कभी नहीं बढ़ेगा, अगर आप उस हिसाब से कंपनी को पैसा देते रहोगे ना तो शेयर कभी नहीं बढ़ने वाला सर, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ना सर, तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाय द वे, लव यू ऑल, जब तक के लिए बाय बाय।